यहाँ पर हम देखते हैं डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में क्या होगा, जैसे कि एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज ए मशीन विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हेन एवर कंडक्टर कट मैग्नेटिक फ्लक्स डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन इट अकॉर्डिंग टू दी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या होता है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दैट इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। जैसे कि ये हमारी कॉइल है, तो ये कॉइल के वर्टिकल एंगल में ये वर्टिक्स हैं कॉइल्स के, जहाँ पर ये वेवफॉर्म हमारी इंड्यूस्ड डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ईएमएफ इंड्यूस्ड किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। ये हमारा फ्लक्स है और इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर लैग कर रहा है 90 डिग्री। तो ईएमएफ जनरेटर है, जनरेटेड ईएमएफ किस चीज़ पर डिपेंड करता है, फ्लक्स डेंसिटी पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है, एंड स्पीड ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है, एंड नेचर ऑफ द आर्मेचर बाइंडिंग पर डिपेंड करता है। डीसी मशीन्स के पार्ट क्या है, दो पार्ट होते हैं मेनली, स्टेशनरी पार्ट और रोटेटिंग पार्ट। स्टेशनरी पार्ट डिजाइंड मेनली फॉर प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए डिजाइन किया जाता है स्टेशनरी पार्ट, और रोटेटिंग पार्ट डिजाइन किया जाता है, इसको हम कहते हैं आर्मेचर, वेयर मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो हमारा कहलाता है रोटेटिंग पार्ट। नेक्स्ट देखें, जैसे कि और ये इलेक्ट्रिकल जनरेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रिकल मोटर क्या काम करती है, इलेक्ट्रिकल मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो डीसी मशीन के बहुत सारे पार्ट हैं, वो कौन कौन से हैं, पहला है फ्रेम है, दूसरा है फील्ड पोल है, तीसरा है कम्यूटेटिंग पोल है, चौथा तो आर्मेचर है, पाँचवा कम्यूटेटर है, छठवा ब्रश गियर है, और सातवा है आर्मेचर शाफ्ट बियरिंग, और आठवा है आर्मेचर वाइंडिंग। अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ क्लोजर प्रोड्यूस बाई बाइंडिंग आर्मेचर बाइंडिंग आर टू टाइप्स। तो ये आर्मेचर बाइंडिंग है, यहाँ पर दो दो प्रकार की होती है, जैसे कि ओपन कॉइल बाइंडिंग एंड क्लोज्ड कॉइल बाइंडिंग। क्लोज्ड आर्मेचर बाइंडिंग आर टू टाइप्स, जैसे कि क्लोज कॉइल जो आर्मेचर बाइंडिंग है वो भी दो प्रकार की होती है, रिंग बाइंडिंग एंड ड्रम बाइंडिंग। इन जनरल देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द ड्रम आर्मेचर बाइंडिंग, तो टू टाइप्स ऑफ द ड्रम आर्मेचर बाइंडिंग। तो ड्रम भी यहाँ पर दो प्रकार की होती है, जैसे कि लैप बाइंडिंग और बेब बाइंडिंग। डीसी जनरेटर के टाइप्स क्या है, अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ एक्साइटेशन डीसी जनरेटर आर क्लासिफाइड, जैसे कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है, दो जनरेटर हुज फील्ड मैग्नेट आर एनर्जाइज फ्रॉम इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स ऑफ डीसी करंट, तो वो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होगा। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर क्या होता है, आर दो जनरेटर हुज फील्ड मैग्नेट आर एनर्जाइज बाई करंट प्रोड्यूस बाई दी जनरेटर देमसेल्फ, दैट इज सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। दी जनरेटर कैन बी डिवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद दी हाउ दी फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन टू दी जनरेटर। जैसे कि शंट माउंट जनरेटर है हमारा, तो शंट माउंट जनरेटर किस तरीके से दिखाई देता है, जैसे हम देखें यहाँ पर शंट वाउंड जनरेटर है, सीरीज वाउंड जनरेटर है, और कंपाउंड वाउंड में लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट है, तो दोनों आते हैं कंपाउंड वाउंड में। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखें, जैसे ये जनरेटर है हमारा, तो ये है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, यानी कि यहाँ पर हमें सेपरेटली एक्साइटेशन सोर्स की जरूरत पड़ रही है जनरेटर में, तो ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है। इसमें क्या होगा, यहाँ पर जैसे फील्ड करंट है आई, यहाँ पर लोड करंट है, यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है आई एफ, यहाँ पर फील्ड करंट है आई जी, यहाँ पर जनरेटर की आर्मेचर करंट है यहाँ पर, और यहाँ पर देखें जैसे कि शंट माउंट जनरेटर, शंट में हमने बाइंडिंग लगा दी, शंट माउंट जनरेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये करंट की वैल्यू है, जैसे कि आई ये करंट जा रही है, ये करंट जा रही है, यानी कि आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आर्मेचर करंट की वैल्यू होगी आई प्लस आई एस एच, ये आर्मेचर करंट की वैल्यू होगी। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारी जो होती है आर्मेचर करंट, लोड करंट और सीरीज वाइंडिंग की करंट सेम होती है, यहाँ पर सेम होती है,
सीरीज वाइंडिंग करंट प्लस आर्मेचर करंट है, ये आई के इक्वलेंट होती है, यानी कि सेम होगी यहाँ पर। तो ये यहाँ पर इक्वल होगी सीरीज माउंट जनरेटर में। अब देखते हैं सीरीज माउंट जनरेटर में एफिशिएंसी, हम देखें यहाँ पर मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है टोटल वाट जनरेटेड इन आर्मेचर डिवाइड बाय मैकेनिकल पावर सप्लाइड, वो कहलाती है हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी, यानी आई ए आर ए डिवाइड बाई आउटपुट ऑफ ड्राइविंग इंजन। और इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी देखें, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी क्या होती है, वाट अवेलेबल इन लोड सर्किट डिवाइड बाई टोटल वाट जनरेटेड, तो वो होती है हमारी इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, यानी बी आई डिवाइड बाई ई जी इन टू आई ए, ये होती है हमारी इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। और आई ए आर ए डिवाइड बाई आउटपुट ऑफ ड्राइविंग इंजन, ये होती है हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है, वाट अवेलेबल लोड सर्किट डिवाइड बाई मैकेनिकल पावर सप्लाइड, ये ओवरऑल एफिशिएंसी होती है। ओवरऑल एफिशिएंसी को हम निकाल सकते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी से। तो अगर कोई अच्छा डिजाइन किया हुआ जनरेटर है तो उसकी ओवरऑल जो एफिशिएंसी होगी वो हमारी होगी मोर देन 90%। मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या है कि वेरिएबल लॉसेज हैं वो कॉन्स्टेंट लॉसेज के इक्वल होनी चाहिए, वो हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लॉस, जैसे कि जो जनरेटर में जो लॉसेज होते हैं हमारे, जैसे कि कॉपर लॉसेज है, कॉपर लॉसेज जैसे आर्मेचर कॉपर लॉसेज हैं, फील्ड कॉपर लॉसेज हैं, ये कॉपर लॉसेज होते हैं। इनको कैसे निकालते हैं, आई ए स्क्वायर आर ए से आर्मेचर लॉसेज निकालेंगे। आर ए क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर एंड इंटरपोल एंड सीरीज फील्ड वाइंडिंग आई एस एच एंड आर एस एच फॉर शंट जनरेटर। तो शंट जनरेटर के लिए आई एस एच आर एस एच हो जाएगा। ये परसेंटेज जो होता है कॉपर लॉसेज का परसेंटेज, यहाँ पर आर्मेचर कॉपर लॉसेज का परसेंटेज 30 से 40% होता है, जबकि फील्ड कॉपर लॉसेज का परसेंटेज 20 से 30% होता है। तो इसमें वो लॉसेज भी इंक्लूड किए जाते हैं जो ब्रश कॉन्टैक्ट की वजह से हो सकते हैं, और फील्ड कॉपर लॉस में वो लॉसेज भी इंक्लूड किए जाते हैं रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली यहाँ पर कॉन्स्टेंट माना जाता है फील्ड कॉपर लॉसेज में। फिर देखते हैं मैग्नेटिक लॉसेज, मैग्नेटिक लॉसेज में दो प्रकार के लॉसेज होते हैं, स्टेसिस लॉसेज और एडी करंट लॉसेज। स्टेसिस लॉसेज होता है 1.6 इंटू बी मैक्सिमम एफ, यानी कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है एफ इज दी फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल, तो मैग्नेटिक रिवर्सल की फ्रीक्वेंसी है एफ यहाँ पर। और ये मैग्नेटिक जो लॉसेज होते हैं 20 से 30% होते हैं, प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट होते हैं किसके लिए, शंट और कंपाउंड जनरेटर के लिए मैग्नेटिक लॉसेज कॉन्स्टेंट होते हैं। मैकेनिकल लॉसेज हैं, मैकेनिकल लॉसेज फ्रिक्शनल लॉसेज, एयर फ्रिक्शनल लॉसेज होते हैं हमारे, और 10 से 20% ये होते हैं। नेक्स्ट देखें तो क्या होगा, यहाँ पर आई स्क्वायर आर ए है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट लॉसेज हैं, लोड करंट करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी, यहाँ पर आई इक्वल टू ओमेगा ई डिवाइड बाई आर, यानी कि लॉसेज डिवाइड बाई पावर लॉसेज डिवाइड बाई आर्मेचर रेजिस्टेंस। कम्यूटेशन क्या होता है, कम्यूटेशन मीन द प्रोसेस ऑफ करंट, कम्यूटेशन मीन द प्रोसेस ऑफ करंट कलेक्शन बाय द ब्रशेज और चेंज विच टेक्स प्लेस इन द कॉइल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शॉर्ट सर्किट बाय द ब्रश। द पीरियड ड्यूरिंग विच द सेपिन इज कॉल्ड कम्यूटेशन पीरियड। टू मेथड आर अवेलेबल फॉर इम्प्रूविंग द कम्यूटेशन, वन इज रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। रेजिस्टेंस कम्यूटेशन क्या होता है, इन दिस मेथड द लो रेजिस्टेंस कॉपर ब्रशेज आर रिप्लेस्ड बाई कंपेरेटिवली हाई रेजिस्टेंस कार्बन ब्रश, तो वो होता है रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। एडवांटेज क्या है कार्बन ब्रश के, दे हैव हाई कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस विच इज यूजफुल फॉर हैविंग गुड कम्यूटेशन। दे ल्यूब्रिकेट एंड पोलाइज द कम्यूटेटर एज इट रोटेट। इन द इवेंट ऑफ स्पार्किंग कार्बन ब्रशेज विल डैमेज द कम्यूटेटर लेस इन कंपेरिजन टू द कॉपर ब्रशेज। डिसएडवांटेज क्या है कार्बन ब्रशेज के, ड्यू टू देयर हाई कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ए लॉस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 वोल्ट क्यूब, इंस दे आर नॉट मच सुटेबल फॉर स्मॉल मशीन वेयर दिस वोल्टेज फॉर्म ए एप्लीकेबल परसेंटेज लॉस। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द अबव लार्ज लॉसेज द कम्यूटेटर हैज टू बी मेड समवट लार्जर देन विथ द कॉपर ब्रशेज सो एज टू डिसिपेट हीट एफिशिएंसी विदाउट ग्रेट राइज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट, ऑन टू दियर लोअर करंट डेंसिटी लार्जर ब्रश होल्डर आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट देखें ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है, ईएमएफ कंपटीशन क्या होता है, इन दिस मेथड एन अरेंजमेंट इज मेड ऑफ मेड टू न्यूट्रलाइज द रिएक्शन
reactance voltage by producing a reversing EMF in the short circuit coil under commutation. तो वो कहलाएगा हमारा EMF commutation. यानी इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस तरीके का अरेंजमेंट करते हैं ताकि रिएक्शन रिएक्टेंस जो वोल्टेज है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके रिवर्सल ईएमएफ प्रोड्यूस करके. नेक्स्ट हम देखें करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर क्या है. जैसे कि मैग्नेटिक करैक्टरिस्टिक्स होती है जिन्हें ओपन सर्किट करैक्टरिस्टिक्स कहते हैं. द करैक्टरिस्टिक्स गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर एट नो लोड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर एट नो लोड एंड एक्साइटेशन करंट एट अ गिवन एक्साइटेशन करंट एट गिवन स्पीड ऑफ रोटेशन. तो ये करेक्टिस को हम क्या कहते हैं, नो लोड सेचुरेशन करेक्टिस भी कह सकते हैं इसको. जैसे कि ये हमारी नो लोड सेचुरेशन करेक्टिस है, यानी कि ये हमारी ऊपर वाली है मैग्नेटिक करेक्टिस जिसे ओपन लोड करेक्टिस कहते हैं. ये हमारा आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप हो जाएगा तो इंटरनल करेक्टिस आ जाएगी, और इंटरनल करेक्टिस में से आर्मेचर फील्ड रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाएगा, आर्मेचर फील्ड रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाएगा तो एक्सटर्नल करेक्टिस आ जाएगी. नेक्स्ट देखें इंटरनल करैक्टरिस्टिक्स. द करैक्टरिस्टिक्स गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द ईएमएफ एक्चुअली इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर एंड आर्मेचर करंट. दिस इज आल्सो नोन एज टोटल करैक्टरिस्टिक्स. तो इंटरनल करैक्टरिस्टिक्स को हम टोटल करैक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं यहां पर. एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक्स, दिस करैक्टरिस्टिक्स गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड करंट. दिस करैक्टरिस्टिक्स टेक्स इनटू अकाउंट द वोल्टेज ड्रॉप ओवर द आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस. तो ये हमारी एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक्स हो जाएगी यहां पर. तो यहाँ पर भी हम वोल्टेज क्या लेते हैं और एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक्स में, एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक्स में लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज यानी कि बीटी और लोड करंट लेते हैं यहाँ पर, यानी बीटी एंड आईएल यानी लोड करंट, टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड करंट. यहाँ पर इंटरनल करैक्टरिस्टिक्स में हम लेते हैं एक्चुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक्चुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द आर्मेचर एंड आर्मेचर करंट, यानी आर्मेचर के अंदर जो एक्चुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है और हम लेते हैं आर्मेचर करंट यहाँ पर इंटरनल में, जबकि एक्सटर्नल में टर्मिनल वोल्टेज लोड करंट लेते हैं. नेक्स्ट देखें एप्लीकेशन ऑफ डीसी जनरेटर. सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की एप्लीकेशन क्या है. द सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर आर यूजुअली मोर एक्सपेंसिव देन द सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर एज दे रिक्वायर सेपरेट सोर्स ऑफ सप्लाई. दे आर यूजुअली और जनरली यूज्ड वेयर द सेल्फ एक्साइटेड आर रिलेटिवली अनसेटिस्फैक्ट्री. दिस जनरेटर आल्सो यूज्ड वेयर द क्विक एंड रिक्वेस्टिंग रेस्पॉन्स टू कंट्रोल इट्स पोटेंस. क्विक और रिक्वेस्टिंग रेस्पॉन्स और कंट्रोल की जरूरत होती है वहाँ पर हम सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का यूज करते हैं. शंट जनरेटर, दिस जनरेटर आर यूज टू एडवांटेज इन कंजेक्शन विद द ऑटोमेटिक रेगुलेटर में हम यूज करते हैं शंट जनरेटर का एज एक्साइटर फॉर सप्लाइंग द करंट रिक्वायर्ड टू एक्साइट द फील्ड ऑफ एसी जनरेटर. शंट जनरेटर आर यूज इन चार्ज बैटरी, चार्ज बैटरीज में हम शंट जनरेटर का यूज करते हैं. सीरीज जनरेटर, The field of application of series generator is limited. These are used in the following purpose, जैसे कि series are lighting and series incandescent lighting में हम series generator का use करते हैं. As series booster for increasing the voltage across the feeder carrying current furnished by some other sources. तो booster के रूप में भी series generator का use कर सकते हैं. Next देखें द स्पेशल पर्पज सच इज सप्लाइंग द फील्ड करंट फॉर रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑफ डीसी लोकोमोटिव. तो फील्ड करंट रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑफ डीसी लोकोमोटिव में हम सीरीज जनरेटर का यूज करते हैं. नेक्स्ट देखें कंपाउंड जनरेटर. द कंपाउंड जनरेटर यूज फॉर मोर देन एनी अदर टाइप. इट मे बी वोल्ट एंड एडजस्ट ऑटोमेटिकली टू सप्लाई एन अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट वोल्टेज एट द पॉइंट ऑफ यूज थ्रॉच आउट द इंटायर रेंज ऑफ लोड. दिस इज वेरी ग्रेट एडवांटेज. द कंपाउंड जनरेटर यूज टू सप्लाई द पावर्स यूज सप्लाई पावर टू रेलवे सर्किट. रेलवे सर्किट को पावर सप्लाई देने के लिए कंपाउंड जनरेटर यूज करते हैं. मोटर ऑफ इलेक्ट्रीफाइड स्टीम रेल रोड के लिए हम कंपाउंड जनरेटर यूज करते हैं. इंडस्ट्रियल मोटर इन मैनी फील्ड ऑफ इंडस्ट्री के लिए कंपाउंड मोटर यूज करते हैं. इनकैंडिसेंट लैंप में हम कंपाउंड मोटर यूज करते हैं. एलिवेटर मोटर में हम कंपाउंड मोटर यूज करते हैं. सीरीज टर्न टू अकाउंट ऑफ आर्मेचर ड्रॉप. तो आर्मेचर ड्रॉप कैसे निकालते हैं, आर्मेचर ड्रॉप निकालते हैं जैसे कि एन एस सी यानी सीरीज टर्न इक्वल टू एन एस एच चेंज इन दी शंट करंट डिवाइड बाई शंट करंट. यानी एन एस यहाँ पर क्या है, एन एस है यहाँ पर नंबर ऑफ शंट टर्न, एन एस एच और चेंज इन करंट है यानी इंक्रीज इन शंट फील्ड करंट वो आई एल डेल आई एच है. आई एस सी है आर्मेचर फॉर लॉन्ग शंट, आई एल है फॉर शॉर्ट शंट के लिए. डायमीटर इज कनेक्टेड
दी रेजिस्टेंस, तो डायमीटर है उसकी वैल्यू क्या होगी, आर डी इक्वल टू आई एस सी इंटू आर एस सी डिवाइड बाई आई आर डी, यानी कि डायमीटर करंट। तो यहाँ पर करंट थ्रू डायमीटर आ जाएगी आई डी, आई एस सी है आई ए यहाँ पर लॉन्ग शंट के लिए आर्मेचर करंट आ जाएगी, और आई एल है यहाँ पर शॉर्ट शंट के लिए लोड करंट के इक्वलेंट हो जाएगी। आर एस सी की वैल्यू सीरीज बाइंडिंग रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं डीसी मोटर यानी डायरेक्ट करंट मोटर। व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड टू डीसी मोटर करंट विल फ्लो इनटू द पॉजिटिव ब्रश थ्रू द कम्यूटेटर इनटू द आर्मेचर वाइंडिंग। द मोटर आर्मेचर वाइंडिंग इज आइडेंटिकली टू दैट ऑफ द जनरेटर आर्मेचर वाइंडिंग, थस द कंडक्टर अंडर द नॉर्थ पोल नॉर्थ फील्ड पोल कैरी करंट इन वन डायरेक्शन व्हाइल द कंडक्टर अदर द साउथ पोल कैरी द करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। व्हेन द आर्मेचर कैरीज ए करंट इट विल प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड इट्स ऑन विच विल इंटरेक्ट विद द मेन फील्ड, द रिजल्ट इन दैट देयर इज ए फोर्स डेवलप ऑन ऑल कंडक्टर एंड टेंडिंग टू टर्न द आर्मेचर। नेक्स्ट देखें यहाँ पर, जैसे कि जैसे हमने सप्लाई दी तो क्या होगा, एक तरफ यहाँ पर जैसे कि पॉजिटिव की साइड होगा, जैसे करंट यहाँ पर क्या कर रही है, एंटर कर रही है करंट, यहाँ पर भी करंट है एंटर कर रही है, तो हमारा हाफ जो पोर्शन है पॉजिटिव ग्रुप से हो जाएगा, हाफ जो पोर्शन है वो नेगेटिव ग्रुप से हो जाएगा। तो रोटेशन किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा रोटेशन, यानी कि बाहर का जो फील्ड प्रोड्यूस होगा करंट की वजह से और अंदर का जो मेन फील्ड है आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे और वो यहाँ पर एक फोर्स प्रोड्यूस होगा जो इसको रन कराने के लिए काम आएगा। रोटेटिंग कंडक्टर इन मोटर आर्मेचर कट द फ्लक्स फ्रॉम द पोल सो एन ईएमएफ इज डेवलप्ड इन देम बाय लेंस लॉ। द ईएमएफ अपोज द अप्लाइड ईएमएफ एंड नॉन एज बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, जेड फाइव एन पी डिवाइड बाई 60। तो ये बैक ईएमएफ है, किसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होता है, लेंज लियो के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर फाई है ये फ्लक्स पर पोल है, जेड है टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, पी है नंबर ऑफ पोल, ए है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन द आर्मेचर जो कि लेफ्ट बाउंडिंग में 2 होता है और बेक बाउंडिंग में पोल डिवाइड बाई 2 होता है। स्पीड ऑफ रोटेशन है एन। फंडामेंटल वोल्टेज, the fundamental voltage equation of motor is expressed as V equal to EB plus IAR। ये fundamental voltage equation है motor के लिए, यानी back EMF plus armature current into armature resistance। EB यहाँ पर back EMF हो जाएगा, B यहाँ पर voltage drop और power drop applied to the brush in volt and IA is armature current and RA is armature circuit resistance। Torque क्या होगी, power developed by पावर डेवलप्ड या टॉर्क होगी एफ इक्वल एफ इंटू टू पाई आर इंटू एन। यहाँ पर टॉर्क है, टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, टॉर्क है यहाँ पर टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी, यानी पावर होगी टॉर्क इंटू ओमेगा, यानी एफ यहाँ पर क्या है, सरकमफेरेंशियल फोर्स है जो कि न्यूटन में होता है, आर रेडियस ऑफ पुली है जिसकी वजह से फोर्स लगाते हैं। टॉर्क यहाँ पर एफ इंटू आर एन माइनस वन से दे देंगे। वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस यानी फोर्स इंटू टू पाई आर जूल। आर्मेचर टॉर्क क्या होती है, आर्मेचर टॉर्क आ जाएगी यहाँ पर 0.1595 जेड एल ए पी वाई ए न्यूटन प्रति मीटर। नेक्स्ट देखें, जैसे यहाँ पर क्या है, आर्मेचर टॉर्क जो दे रखी थी वो दे रखी थी यहाँ पर टी ए की वैल्यू दे रखी थी 0.1595 जेड आई ए पी डिवाइड बाई ए न्यूटन प्रति मीटर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, ई ए ई बी आई ए जेड फाई एन पी से ई बी आई ए डिवाइड बाई टू पाई एन आ जाएगा और एन से एन भी यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगी हमारी ई बी आई ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2π से 9.55 ई बी आई ए डिवाइड बाई एन न्यूटन प्रति मीटर। तो यहाँ पर एन है आर पी एम में स्पीड होगी यहाँ पर, तो ये होगी हमारी आर्मेचर टॉर्क। आर्मेचर टॉर्क इस तरह से निकाल सकते हैं, शाफ्ट टॉर्क निकालने के लिए क्या आ जाएगी 9.55 आउटपुट डिवाइड बाई एन, ये शाफ्ट टॉर्क आ जाएगी। और लॉस्ट टॉर्क क्या आ जाएगी, टी ए माइनस टी एस एच, ये लॉस्ट टॉर्क आ जाएगी।
स्पीड ऑफ मोटर निकालनी है तो सीरीज मोटर के लिए क्या जाएगी, सीरीज मोटर के लिए एन टू डिवाइड बाई एन वन इक्वल टू ई वी टू डिवाइड बाई ई वी वन इन टू फाई वन डिवाइड बाई फाई टू, ये हो जाएगी हमारी सीरीज मोटर के लिए रिलेशन। यानी ई वी टू डिवाइड बाई ई वी वन इक्वल टू आई ए वन डिवाइड बाई आई वी टू, तो आई ए वन डिवाइड बाई यहाँ पर आई ए टू होगा, आई बी टू नहीं होगा। तो इस तरीके से निकाल लेंगे शंट मोटर के लिए क्या होगा, शंट मोटर के लिए होगा एन वन डिवाइड एन टू डिवाइड बाई एन वन इक्वल टू ई वी टू डिवाइड बाई ई वी वन। स्पीड रेगुलेशन कैसे निकालेंगे, नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड डिवाइड बाई फुल लोड स्पीड इन टू हंड्रेड, तो यहाँ पर जो आएगा वही यहाँ पर आएगा, नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड डिवाइड बाई फुल लोड स्पीड इन टू हंड्रेड। लॉसेज इन डीसी मोटर, डीसी मोटर में लॉसेज क्या क्या होते हैं, जैसे कि एक्साइटेशन सर्किट लॉसेज, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्साइटिंग करंट एंड रेटेड वोल्टेज, दिस आल्सो इंक्लूड लॉसेज इन द फील्ड रेगुलेशन। तो फील्ड रेगुलेशन में जो लॉसेज हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूड होते हैं एक्साइटेशन सर्किट लॉसेज में। और फिक्स्ड लॉसेज में देखें हम, आयरन लॉसेज है, फ्रिक्शनल लॉसेज है, विंडंग लॉसेज है, ये सभी फिक्स्ड लॉसेज में आते हैं। डायरेक्ट लोड लॉसेज क्या होते हैं, दिस लॉसेज इज अकरिंग इन आर्मेचर एंड सीरीज फील्ड वाइंडिंग में ये होते हैं, पोल में होते हैं और सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होते हैं डायरेक्ट लोड लॉसेज। स्टील लॉसेज क्या होते हैं, दिस इज ड्यू टू दी चीफली ड्यू टू डिस्टोरेशन ऑफ फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द लोड, तो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन के जैसे जो लॉसेज होते हैं वो स्टील लॉसेज होते हैं। सीरीज मोटर में क्या लॉसेज होते हैं, जैसे कि आयरन लॉसेज, फ्रिक्शन लॉसेज, विंडलिंग लॉसेज है, दी लॉसेज इज डिटरमाइंड फ्रॉम दी लाइट रन टेस्ट विद सेपरेटली एक्साइटेड फील्ड। तो सेपरेटली एक्साइटेड फील्ड को लाइट रन टेस्ट से हम आयरन लॉसेज, फ्रिक्शन लॉसेज, विंडिंग लॉसेज है सीरीज मोटर में निकाल सकते हैं। डायरेक्ट लॉसेज है, दिस इज ऑब्टेंड फ्रॉम द रेटेड करंट एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर एंड पोल एंड द सीरीज फील्ड वाइंडिंग। स्टील लॉसेज क्या होते हैं, दिस इज रफली 30% ऑफ द नो लोड कोर लॉसेज, नो लोड कोर लॉसेज का रफली 30% के आसपास होते हैं स्टील लॉसेज यहाँ पर। एफिशिएंसी डीसी मोटर कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालते हैं डीसी मोटर की 1 माइनस लॉसेज डिवाइड बाई इनपुट इन टू 100, तो ये हमारी एफिशिएंसी होगी डीसी मोटर के लिए। नेक्स्ट देखें, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी इक्वल टू होता है ई वी आई ए, यानी कि बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट डिवाइड बाय वी आई, और मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है मैकेनिकल आउटपुट डिवाइड बाय ई वी इनटू आई ए, यानी ओवरऑल एफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी। कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या है, आर्मेचर कॉपर लॉसेज है वो कॉन्स्टेंट लॉसेज के इक्वल होने चाहिए। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर डेवलप्ड बाय द मोटर वो क्या है, आई ए आर ए इक्वल टू वी बाई टू होना चाहिए, यानी बैक ईएमएफ इक्वलेंट होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मोटर, जैसे कि शंट मोटर है, शंट में कनेक्ट कर दिया हमने वाइंडिंग, तो शंट मोटर में क्या है, जैसे कि आर्मेचर करंट यहाँ पर आ रही है इस तरीके से आर्मेचर करंट, और लोड करंट भी यहाँ पर आ रही है और ये करंट यहाँ पर जा रही है, तो क्या होगा, जैसे दो करंट यहाँ पर आ रही है एक करंट आ रहा है, दो करंट जा रही है एक करंट आ रही है, यानी लोड करंट की वैल्यू आई ए प्लस आई एफ होगी। सीरीज मोटर के लिए देखते हैं, सीरीज मोटर के लिए लोड करंट है आर्मेचर करंट की इक्वल होगी, और कंपाउंड मोटर के लिए देखते हैं, कंपाउंड मोटर में इस तरीके से वाइंडिंग होती है, तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो है वो आई एस इक्वल टू आई ए है, यानी आर्मेचर करंट, और आई एल की जो वैल्यू है वो क्या है, आई एल की वैल्यू आई ए प्लस आई एफ है, यानी लोड करंट की वैल्यू, यहाँ पर जो करंट है, यहाँ पर जो करंट है आई ए प्लस आई ए के इक्वलेंट है। मोटर क्रेसिस क्या है, दी क्रेसिस कर्व ऑफ द मोटर आर दोज कर्व विच इज शो द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी दैट इज टॉर्क एंड आर्मेचर करंट, टॉर्क एंड आर्मेचर करंट के बीच में जो रिलेशन दर्शक आता है उसे टॉर्मेचर आर्मेचर क्रेसिस कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल क्रेसिस कहेंगे हम। और नेक्स्ट देखें, स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में जो दिखाता है उस कर्व को हम कहते हैं स्पीड एंड आर्मेचर करेक्टिस, और स्पीड और टॉर्क के बीच में रिलेशन दिखाता है उसे हम कहते हैं मैकेनिकल करेक्टिस, यानी कि स्पीड एंड आर्मेचर, स्पीड एंड टॉर्क, तो मैकेनिकल करेक्टिस जाती है। तो यहाँ पर देखें जैसे कि टॉर्क करंट करेक्टिस क्या है, टॉर्क करंट करेक्टिस इस तरीके से हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिकल करेक्टिस, टॉर्क करंट करेक्टिस है ये मोटर के लिए। और टॉर्क करंट कर्व फॉर शंट मोटर,
शंट मोटर के लिए टॉर्क करंट कर्व इस तरीके से आएगा, एंड टॉर्क करंट क्राइसिस फॉर सीरीज मोटर, और सीरीज मोटर के लिए इस तरीके से आएगा। और ये टॉर्क करंट क्राइसिस सिंपली है, ये शंट मोटर के लिए है और ये सीरीज मोटर के लिए है। टॉर्क करंट क्राइसिस फॉर कंपाउंड मोटर, कंपाउंड मोटर के लिए टॉर्क करंट क्राइसिस इस तरीके से आएगी, टॉर्क करंट क्राइसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के लिए है टॉर्क करंट क्राइसिस। और ये है स्पीड करंट क्राइसिस फॉर द शंट मोटर, शंट मोटर के लिए स्पीड करंट क्राइसिस है। नेक्स्ट देखें, स्पीड करंट क्राइसिस फॉर सीरीज मोटर, सीरीज मोटर के लिए स्पीड करंट क्राइसिस ये है। स्पीड टॉर्क क्राइसिस हम देखें, स्पीड टॉर्क क्राइसिस सिंपली स्पीड करंट क्राइसिस ऑफ कंपाउंड मोटर। तो कंपाउंड मोटर के लिए जैसे डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर होती है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है, तो स्पीड करंट का इसका क्या होगा, डिफरेंशियली का इस तरीके से होगा और कम्युलेटिव का इस तरीके से होगा। नेक्स्ट हम देखें टॉर्क स्पीड क्राइसिस फॉर डीसी मोटर, जैसे कि डिफरेंस डीसी मोटर में टॉर्क और स्पीड के बीच में जो कर्व होता है, डिफरेंशियली का इस तरीके से होता है, शंट का यहाँ पर होगा और कम्युलेटिव का और नीचे होगा, जबकि सीरीज का इस तरीके से होता है। एडवांटेज ऑफ डीसी मोटर ओवर एसी मोटर, तो डीसी मोटर के क्या एडवांटेज है एसी मोटर कंपेयर में, डीसी मोटर की हाई स्टार्टिंग टॉर्क होती है, वाइड वेरिएशन ऑफ स्पीड एंड इजी रिवर्सिबल ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड बेटर स्पीड कंट्रोल एंड वाइड रेंज ऑफ स्पीड। लिमिटेशन क्या है डीसी मोटर की, कॉस्ट ऑफ डीसी मोटर इज हाई ड्यू टू द कम्यूटेटर एंड स्पेशल रेक्टिफायर इज नीडेड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, वेयर एज डीसी इज नॉट अवेलेबल एंड रेटिंग अबव ए फ्यू हंड्रेड किलोवाट आर नॉट पॉसिबल ड्यू टू द डिजाइन लिमिटेशन। तो कम्यूटेटर प्रॉब्लम की वजह से हम फ्यू मेगावाट से ज़्यादा इसको डिजाइन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, हम देखें जैसे कि ब्रेक टेस्ट कब करते हैं, जितने भी टाइप के डीसी मोटर हैं स्मॉल डीसी मोटर उन सब में ब्रेक टेस्ट किया जाता है। मेथड क्या है टेस्टिंग का, लोड अप्लाइड ऑन वाटर कूल्ड पुली, लोड अप्लाइड ऑन वाटर कूल्ड पुली वो मेथड है टेस्ट का। पैरामीटर क्या है यहाँ पर, क्या पैरामीटर मेजर किए जाएंगे, नेट आउटपुट यहाँ पर मेजर किया जाता है ब्रेक टेस्ट से, एफिशिएंसी और लॉसेज यहाँ पर मेजर किया जाता है। फिर है स्विनबर्न टेस्ट, स्विनबर्न टेस्ट में हम शंट मशीन और लीवर कंपाउंड जनरेटर के लिए हम करते हैं स्विनबर्न टेस्ट, और मशीन रन करेगी यहाँ पर स्विनबर्न टेस्ट में, मशीन नो लोड पर रन करेगी एंड एट रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड स्पीड पर मशीन रन करेगी। नो लोड लॉसेज हैं स्विनबर्न टेस्ट से टेस्ट किए जाते हैं। ऑप्शन टेस्ट है, ऑप्शन टेस्ट को बैक टू बैक टेस्ट भी कहते हैं, जितने भी हमारी आइडेंटिकल शंट मशीन है उनमें हम इसको यूज करते हैं। वन मशीन है जनरेटर की तरह काम करेगी और एक मशीन है मोटर की तरह काम करेगी, और फुल लोड लॉसेज इससे मेजर किए जाते हैं। रिटार्डेशन और रनिंग डाउन टेस्ट बोलते हैं, रिटार्डेशन और रनिंग डाउन टेस्ट है शंट मोटर और जनरेटर के लिए यूज किए जाते हैं। मशीन रन बियॉन्ड रेटेड स्पीड देन द सप्लाई कट ऑफ फ्रॉम द आर्मेचर मेन वाइंडिंग एंड फील्ड एक्साइटेशन काइनेटिक एनर्जी स्लोइंग डाउन रोटर एबुलेटेड, यानी स्टे लॉसेज के लिए हम करते हैं इसको रिटार्डेशन या रनिंग डाउन टेस्ट को। एक होता है फील्ड टेस्ट, टू सिमिलर सीरीज मोटर के लिए इसका यूज किया जाता है। वन यूनिट रन इज मोटर ड्राइविंग, अदर इज जनरेटर आयरन एंड फ्रिक्शनल लॉसेज ऑफ टू मशीन आर मेड इक्वल। तो ये लॉसेज मेजर करने के लिए हम फील्ड टेस्ट करते हैं। नो लोड लॉसेज के लिए स्विनबर्न टेस्ट और फुल लोड टेस्ट के लिए ऑप्शन टेस्ट करते हैं। स्टे लॉसेज के लिए रिटार्डेशन टेस्ट और लॉसेज मेजर करने के लिए फील्ड टेस्ट और नेट आउटपुट में कैलकुलेट करने के लिए ब्रेक टेस्ट। क्राइसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर, तो डीसी मोटर की क्राइसिस और एप्लीकेशन क्या है, जैसे कि शंट मोटर है, सीरीज मोटर है, कंपाउंड मोटर है। शंट मोटर की क्राइसिस क्या है, अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट स्पीड होती है शंट की, एडजस्टेबल स्पीड होती है, मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क होगा अप टू 1.5 टाइम्स ऑफ द फुल लोड टॉर्क। एप्लीकेशन क्या है, फॉर कॉन्स्टेंट स्पीड एप्लीकेशन भी यूज किया जाता है, जैसे कि रिक्वायरिंग मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क फॉर लैचेज, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ब्लोअर, फैंस, मशीन टूल्स, वुड वर्किंग मशीन एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप, इन सभी में शंट मोटर का यूज करते हैं। सीरीज मोटर, सीरीज मोटर की स्पीड है वेरिएबल होती है, एडजस्टेबल बेयरिंग स्पीड, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होती है सीरीज मोटर की, स्पीड रेगुलेशन है वो ज़्यादा होता है इसका, स्पीड कंट्रोल वाइज सीरीज करके रेजिस्टेंस के द्वारा स्पीड कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये किसके लिए सूटेबल है, सूटेबल फॉर ड्राइव रिक्वायर हाई स्टार्टिंग टॉर्क वेयर एज एडजस्टेबल बेयरिंग स्पीड इज सेटिस्फैक्ट्री, जैसे कि क्रेन है, हॉस्ट है, ट्रॉली कार्स है, कन्वेयर है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में इसका यूज किया जाता है।
to prevent the overspeed, lightest load should not be much less than 15 to 20% of full load torque. नेक्स्ट हम देखें कंपाउंड कॉम्युलेटिव. कंपाउंड कॉम्युलेटिव है, इसकी वेरिएबल स्पीड में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एडजस्टिंग वेरिएबल स्पीड, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होती है कॉम्युलेटिव कंपाउंड की भी, और स्पीड कंट्रोल नॉट यूज्ड बट मे बी अप टू 125% बाय फील्ड कंट्रोल. स्पीड कंट्रोल यूज नहीं किया जाता है लेकिन 125% है फील्ड कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं. यूज फॉर ड्राइविंग रिक्वायर हाई स्टार्टिंग टॉर्क ओनली फेयरली कॉन्स्टेंट स्पीड पल्सेटिंग लोड के लिए विद फ्लाई व्हील एक्शन, जैसे कि सीयर्स के लिए, पंचेज, एलिवेटर, कन्वेयर्स. तो कन्वेयर्स में हम सीरीज मोटर भी करते हैं, कंपाउंड मोटर भी यूज करते हैं, रोलिंग व्हील्स और हैवी प्लानर्स में हम यूज करते हैं कंपाउंड का मोटर का. इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग क्या होता है? इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग ऑफ मोटर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग. इलेक्ट्रोमैकेनिकल ब्रेकिंग क्या होगा? इलेक्ट्रोमैकेनिकल और फ्रिक्शनल ब्रेक आर ऑपरेटेड बाई इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड थायरिस्टर. द डिसएडवांटेज एसोसिएट विद द इलेक्ट्रोमैकेनिकल ब्रेक इज द सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेकिंग फोर्स और एक्कॉम्पेइंग शॉक्स टू द मशीन. तो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स क्या होते हैं? प्लगिंग और काउंटर करंट ब्रेकिंग वो होती है हमारी इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग. रियोस्टेटिक और डायनेमिक ब्रेकिंग है वो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग है हमारी. रीजनरेटिव ब्रेकिंग है ये भी हमारी इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग है. नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी डीसी जनरेटर और मोटर से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे. लेमिनेशन ऑफ कोर आर जनरली मेड ऑफ, तो लेमिनेशन है कोर किसका बनाया जाता है? सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है. आर्मेचर ऑफ डीसी जनरेटर इज लेमिनेटेड टू, आर्मेचर ऑफ डीसी जनरेटर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेज. द फील्ड कॉइल ऑफ डीसी जनरेटर आर यूजुअली मेड ऑफ, फील्ड कॉइल ऑफ डीसी जनरेटर आर यूजुअली मेड ऑफ कॉपर. इन ए कम्यूटेटर माइका इज हार्डर देन कॉपर. इन डीसी जनरेटर द पोल शूज आर फास्टेंड टू दी पोल कोर बाई काउंटर संक स्क्रू. इन लैप बाइंडिंग द नंबर ऑफ ब्रशेज इज ऑलवेज, इन लैप बाइंडिंग द नंबर ऑफ ब्रशेज इज ऑलवेज सेम एज द नंबर ऑफ पोल फॉर लैप बाइंडिंग. फॉर डीसी जनरेटर द क्यूजेज ऑफ रैपिड ब्रश बियर मे बी, द क्यूजेज ऑफ रैपिड ब्रश बियर मे बी सीवियर स्पार्किंग, रफ कम्यूटेटर सरफेस एंड इम्परफेक्ट कॉन्टैक्ट. इन फोर पोल डीसी मशीन अल्टरनेटर पोल आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये अल्टरनेट पोल होते हैं फोर पोल मशीन डीसी मशीन में. नेक्स्ट देखें आर्मेचर रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड डीसी मशीन, आर्मेचर रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड डीसी मशीन दैट इज क्रॉस मैग्नेटाइजेशन. इन डीसी जनरेटर आर्मेचर रिएक्शन रिजल्टेंट, आर्मेचर रिएक्शन रिजल्ट इन डी मैग्नेटाइजिंग ऑफ द लीडिंग पोल टिप एंड मैग्नेटाइजिंग ऑफ द ट्रेलिंग पोल टिप. द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग डमी कॉइल इन द जनरेटर, पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग डमी कॉइल इन द जनरेटर दैट इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस फॉर रोटर. द मेटेरियल फॉर कम्यूटेटर ब्रश इज जनरली, द मेटेरियल फॉर कम्यूटेटर ब्रश जनरली कार्बन. In case of four pole DC generator provided with two layer lap winding with 16 coil the pole push will be, तो pole push क्या हो जाएगी? 16 divided by 4. तो यहाँ पर क्या दे रखी है? Lap winding दे रखी है. तो lap winding दे रखी है तो उसके according यहाँ पर आ जाएगी number of brushes होती है 2, यानी कि 32 divided by 4 आ जाएगी, यानी 8 वैल्यू आ जाएगी पोल पिच की वैल्यू फोर पोल डीसी जनरेटर में, क्योंकि टू लेयर बाइंडिंग है, लेफ बाइंडिंग दे रखी है और नंबर लेफ बाइंडिंग में नंबर ऑफ ब्रशेज है पोल के इक्विवेलेंट होती है. नेक्स्ट देखें
If B is the flux density, if ये आंसर होगा यहाँ पर, if B is the flux density, L is the length of conductor and B is the velocity of conductor, then induced EMF is given by, induced EMF that is given by V L U, क्योंकि ये induced EMF क्या होगा, B flux density हो जाएगी, L यहाँ पर length हो जाएगी और B यहाँ पर velocity of conductor हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखें, ब्रशेज ऑफ डीसी मशीन आर मेड ऑफ, ब्रशेज ऑफ डीसी मशीन आर मेड ऑफ कार्बन, तो कार्बन की बनाई जाती है, स्मॉल मशीन में नहीं बनाई जाती है, बाकी मशीनों में यहाँ पर बनाई जाती है, स्मॉल साइज की कार्बन की नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट देखें, इन केस ऑफ डीसी मशीन मैकेनिकल लॉसेज आर प्राइमरली फंक्शन ऑफ, मैकेनिकल लॉसेज आर प्राइमरली फंक्शन ऑफ, दैट इज करेंट, करेंट का प्राइमरली फंक्शन नहीं होता मैकेनिकल लॉसेज, और वोल्टेज का भी नहीं होता है, स्पीड का भी नहीं होता है, फ्रैक्शनल का होता है। नेक्स्ट देखें, जैसे कि सीरीज फील्ड ऑफ शॉर्ट सर्किट डीसी जनरेटर इज एक्साइटेड, सीरीज फील्ड ऑफ शॉर्ट सर्किट डीसी जनरेटर इज एक्साइटेड बाई लोड करंट। नेक्स्ट देखें, द सिंपल मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ डीसी जनरेटर दैट इज टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ आर्मेचर। नेक्स्ट देखें, सीरीज जनरेटर हैज पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन, तो सीरीज जनरेटर का पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन होता है। द प्रॉपरली डिजाइन डीसी जनरेटर हैव ओवरऑल एफिशिएंसी, तो 95% के आसपास इसकी एफिशिएंसी यहाँ पर होती है। नेक्स्ट देखें, नो लोड स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल बी हाईएस्ट, तो नो लोड स्पीड किसकी सबसे ज्यादा होती है यहाँ पर, नो लोड स्पीड सबसे ज्यादा होती है सीरीज मोटर की, बहुत डेंजरस होती है। द टाइप ऑफ डीसी मोटर यूज फॉर शियर्स एंड पंचेज, सीयर्स और पंचेज के लिए कौन सी मोटर हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम मोटर यूज करते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर। नेक्स्ट देखें, डीसी मोटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द एसी सप्लाई इट विल हैपन, तो एसी सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1:2 हीट प्रोड्यूस इन द फील्ड वाइंडिंग बाई एडी करेंट। द डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज फॉर स्टार्टिंग मोटर अप टू, तो अप टू कहाँ तक यूज करते हैं इसको, 5 HP तक यूज करते हैं, यानी 5 हॉर्स पावर तक यूज करते हैं। नेक्स्ट देखें, जैसे कि फोर लेफ्ट बाइंडिंग एंड वेब बाइंडिंग, देयर आर मेनी कम्यूटेटर बार एज द नंबर ऑफ, देयर आर मेनी कम्यूटेटर बार एज द नंबर ऑफ, तो कितने हो गए, तो ये होगा हमारा एज द नंबर ऑफ बाइंडिंग एलिमेंट। नेक्स्ट देखें, एंड डीसी जनरेटर इन केस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग इज इंक्रीज्ड, देन आउटपुट वोल्टेज, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा डीसी जनरेटर में, तो डीसी जनरेटर में आउटपुट वोल्टेज है यहाँ पर वो भी डिक्रीज हो जाएगा। एंड एक्साइटर फॉर टर्बो जनरेटर इज, तो टर्बो जनरेटर के लिए एक्साइटर क्या है, टर्बो जनरेटर के लिए एक्साइटर है शंट जनरेटर। 220 वोल्ट डीसी जनरेटर इज रन एट फुल लोड स्पीड विदाउट एनी एक्साइटेशन, द ओपन सर्किट वोल्टेज विल बी, तो ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज है यहाँ पर वो होगा हमारा अबाउट 2 वोल्ट। इन रेजिडुअल मैग्नेटिज्म प्रेजेंट इन द डीसी जनरेटर द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट जीरो स्पीड विल बी, इंड्यूस्ड ईएमएफ एट जीरो स्पीड दैट विल बी इक्वल टू जीरो। द क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ, तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस डीसी जनरेटर का किसका रेजिस्टेंस होता है, ये होता है हमारा फील्ड रेजिस्टेंस। डीसी जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो डीसी जनरेटर किस कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। द सीरीज जनरेटर कैन सेल्फ एक्साइट, द सीरीज जनरेटर कैन सेल्फ एक्साइटेड ओनली इफ द लोड करंट इज नॉन जीरो,
तो सीरीज जनरेटर है सेल्फ एक्साइटेड होगा। द नंबर ऑफ आर्मेचर पैरेलल पाथ इन द टू पोल डीसी जनरेटर हैविंग ड्यूप्लेक्स लैप बाइंडिंग, तो ड्यूप्लेक्स लैप बाइंडिंग में नंबर ऑफ आर्मेचर पैरेलल पाथ कितने होंगे, नंबर ऑफ आर्मेचर पैरेलल पाथ यहां पर 4 होंगे क्योंकि ड्यूप्लेक्स लैप बाइंडिंग है, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे टू पोल में। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि इन एनी रोटेटिंग मशीन दैट पार्ट विच ऑफ द हाउस इज द कंडक्टर एंड विच ईएमएफ इंड्यूस्ड इज टू बी यूटिलाइज्ड, दैट इज द आर्मेचर। ए डीसी जनरेटर कैन बी कंसिडर्ड एज, ए डीसी जनरेटर कैन बी कंसिडर्ड एज रोटेटिंग एम्पलीफायर। ए डीसी जनरेटर द क्रिटिकल रेजिस्टेंस रेफर टू द रेजिस्टेंस ऑफ, क्रिटिकल रेजिस्टेंस रेफर टू द रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड। इन डीसी जनरेटर द वोल्टेज बिल्डअप इज जनरली रेस्ट्रिक्टेड बाई, द वोल्टेज बिल्डअप इज जनरली रेस्ट्रिक्टेड बाई सेचुरेशन ऑफ आयरन। द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग डमी कॉइल इन द जनरेटर दैट इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस फॉर द रोटर। द शंट जनरेटर रनिंग एट 1000 आरपीएम हैज जनरेटेड ईएमएफ इज 200 वोल्ट। इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाई 1200 आरपीएम तो जनरेटेड ईएमएफ क्या होगा, तो जनरेटेड ईएमएफ है यहाँ पर क्या होगा उसी अनुपात में यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 240 वोल्ट क्योंकि 200 पर कितना बढ़ रहा है, 200 पर 5 का भाग दे यहाँ पर 40 बढ़ रहा है, तो 200 इनकी आरपीएम स्पीड बढ़ेगी तो 40 बढ़ेगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा। ए डीसी जनरेटर ऑन नो लोड द एयर गैप फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज इन स्पेस इज, एयर गैप फ्लक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस इज फ्लैट टॉप्ड। परमियंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ, परमियंस किसका रेसिप्रोकल है, परमियंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस। डीसी जनरेटर जनरेट्स, डीसी जनरेटर जनरेट्स एसी वोल्टेज इन द आर्मेचर। नेक्स्ट हम देखें इक्वलाइजर रिंग आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ आर्मेचर, तो इक्वलाइजर रिंग है कौन सी केस में हमें जरूरत पड़ती है इक्वलाइजर रिंग की, वो पड़ती है लेफ्ट बाउंड में। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर विल हैव, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर विल हैव लेफ्ट वाइंडिंग। ए डीसी वाइंडिंग जनरेटर है, डीसी वाइंडिंग जनरेटर है लेफ्ट वाइंडिंग वेल्डिंग जनरेटर। The demagnetizing component of armature reaction in DC generator, demagnetizing component of armature reaction in DC generator that is given by reduced generator EMF. Magnetic field of DC generator is produced by, magnetic field of DC generator that is produced by electromagnet. The number of brushes in commutator depend on, the number of brushes in commutator depend upon amount of current to be collected. Which of the following component of the DC generator play vital role for providing direct current of DC generator? That is the commutator. In DC generator, the actual flux distribution depend upon, actual flux distribution depend upon size of the air gap, shape of the pole shoes, clearance between the tip of the adjacent pole shoe. The armature core of the DC generator usually, armature core of DC generator is usually that is silicon steel. Next देखें if the speed of DC shunt motor is increased the back EMF of motor, तब बैक ईएमएफ मोटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा। बाय लुकिंग एट विच पार्ट ऑफ द मोटर इट कैन बी इजीली कंफर्म दैट द पर्टिकुलर मोटर इज डीसी मोटर दैट पार्ट इज कम्यूटेटर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन डीसी सीरीज मोटर इज इनवेरिएबली यूज्ड, डीसी सीरीज मोटर इज इनवेरिएबली यूज्ड दैट इज स्टार्टर फॉर कार। इन डीसी मशीन फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग इज यूज्ड, फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग इज यूज्ड to reduce the sparking. 3 point starter is considered suitable for, 3 point starter is considered
suitable for shunt as well as compound motor. A small DC motor up to 5 HP usually have the two pole. In case of condition of maximum power for DC motor are stabilized, the efficiency of motor will be less than 50%. The ratio of starting torque to full load torque in case of least stage. So starting torque to full load torque सबसे कम किसमें होगा ratio? Shunt motor में होगा. In DC motor, which of the following can be sustained the maximum temperature rise? That is, in DC motor, which of the following can be sustained the maximum temperature rise? That is given by. That is given by field winding. Which of the following load normally need starting torque more than the rated torque? So, वो है हमारा conveyor. The starting resistance of DC motor is generally starting resistance of a DC motor that is generally around 500 ohm. Which DC motor has got maximum self loading property? Maximum self loading property वो है for differentially compound motor. Which DC motor will be suitable along with the flywheel for intermittent light and heavy load? That is commutatively compound motor. Which of the following motor is preferred for operating in highly expansive or highly explosive atmosphere? That is air motor. If the supply voltage for a DC motor is increased, which of the following will decrease? So kya decrease hoga yahan par decrease hoga full load current. The mechanical power developed by shunt motor will be maximum when the ratio of back EMF to the applied voltage is. Ratio of back EMF to the applied voltage, that is 0.5. For which of the following application a DC motor is preferred over AC motor? So DC motor hai, AC motor ke upar prefer ki jati hai. To kaun si application mein prefer ki jati hai? Ye prefer ki jati hai variable speed operation mein prefer ki jati hai. Next term dekhen. The speed regulation of DC motor is. The speed regulation of DC motor is. That is no load speed minus full load speed divided by full load speed. Usually wide and sensitive speed control is desired in case of. Wide and sensitive speed control is desired in case of coil ring winders. Which of the following method of speed control of DC machine will after minimum efficiency armature control method? The armature torque of DC shunt motor is proportional to. Armature torque of DC shunt motor is proportional to armature current only. As the load is increased, the speed of DC shunt motor will be. Load is increased, the speed of DC shunt motor will be reduced slightly. Which of the following motor has the poorest speed regulation? So poorest speed regulation किसका होता है? Series motor का होता है. In DC machine, the residual magnetism is in order of. So residual magnetism किस order में होता है यहाँ पर? ये होता है 2-3% का. Next देखें. At the instant of starting, when a DC motor is put on supply, it behave like a low resistance circuit. Low resistance circuit. The speed of DC motor can be varied by varying. The speed of DC motor can be varied by varying the field current, applied voltage and resistance in series with the armature. Which one of the following is not necessary the advantage of DC motor over AC motor? That is given by low cost. Which motor has the poorest speed regulation? That is a series motor. The plugging gives the highest torque braking. The hysteresis losses in DC generator varies with the frequency of magnet reversal
एज फ्रीक्वेंसी। विच ऑफ दी फॉलोइंग मेथड ऑफ ब्रेकिंग इज यूज इन रोलिंग मिल्स, तो रोलिंग मिल्स में कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, प्लगिंग यूज करते हैं। इन हैजार्डस एरिया ऑफ द गैसी माइंस द मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाई व्हीकल पावर्ड बाई, व्हीकल पावर्ड बाई दैट इज द बैटरीज। नेक्स्ट देखें,